हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ पेट्रेटरी चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने अपना भोकैब का सीरीज चालू किया हुआ था, तो अपने भोकैब के नए सेक्शन पे हम आ चुके हैं। और जैसे कि हम पिछले कुछ क्लास से भोकैब्स को नए तरीके से याद करने का तरीका सिखाते हैं आपको, कि याद करना सिखाते हैं जैसे रूट वर्ड्स के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज कुछ नए नए। आपके लिए दो रूट्स लेके आया हूँ, दो रूट्स के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज भी है, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है नेक्स्ट फ्यूचर के आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारा रूट क्या है, एमबी। एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ टू अराउंड अबाउट, मतलब ये सारी बातें, मतलब इससे ही मिलता जुलता ही सारा सब कुछ होता है। तो कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं इससे रिलेटेड, और आइए देखते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा है एमिडेक्स्ट्रस। एमिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है यूज बोथ हैंड वेल्स। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इन द सेंस समझिएगा, आपने थ्री मूवी देखी होगी, उसमें आप जो वो वायरस होता है वो अपने दोनों हाथों से लिखता है, ठीक है। तो मतलब कि बस लिखना ही नहीं, जो भी काम मतलब दोनों हाथ के थ्रू ही किया जाए वो क्या होता है, आपका एम्बिडेक्स्ट्रस होता है। आगे क्या है हमारा, एमिगुलिटी। एमिगुलिटी का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। और सबसे पहले आप देखिएगा जितना भी हम वर्ड्स लिए इस साइड में, सबके स्टार्टिंग में क्या लगा है, प्रीफिक्स में एमबी 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 आपको सब दिख रहा होगा। तो आपको ये बात तो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि एमबी है तो बोथ से रिलेटेड होगा, टू से रिलेटेड होगा, अराउंड अबाउट से रिलेटेड होगा। आप सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिए होंगे तो सेंटेंस के थ्रू आप तुरंत पकड़ सकते हो कि किस चीज के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, एमिवैलेंस। सॉरी, एमिवैलेंस के पहले एक और है एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब होता है चारों ओर से घेरने, मतलब किस अराउंड के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। और आगे हमारा है एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस, वैलेंस आपको ऐसे ही रखता है कि इक्वल करने के लिए यूज होता है बैलेंस का, ठीक है। और साथ में एम बी लग गया है तो मिक्स फीलिंग और इमोशन, यानी दोनों चीज का मतलब किसी दो चीजों को मिक्स फीलिंग और इमोशन दोनों हो तो ऐसे क्या होगा, आप यूज करोगे आप एमबी बैलेंस। और उसके बाद क्या एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी अनेकार्थी शब्द होता है ना, कि एक वर्ड है उसका बहुत सारी मीनिंग्स निकलती हैं, ठीक है, इन द सेंस। तो आप इसका हो जाएगा एम्बिगुअस, जिसका मतलब होता है अनेकार्थी, मोर देन वन मीनिंग्स। और उसके बाद क्या है हमारा, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है कि अब जब आपकी कोई एम है और उस एम के लिए आप एकदम पूरा मर मिटने के लिए तैयार, मतलब मर मिटने इन द सेंस का मतलब क्या होता है कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जैसे आपका जिसका 12th करते हैं बच्चे, तो उस टाइम का एम होता है आईआईटी जेईई मेंस भी होता है, और उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं एकदम डिजायर के साथ, तो वहां यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, ठीक है। वहां होता है उनका एम्बिशन, वहां उस जगह पे आप एम्बिशन यूज कर सकते हो। उसके बाद नया रूट क्या है, मिस। MIS, मिस। मिस का मतलब क्या होता है, हेड, यानी कि आपको कोई भी वर्ड दिख जाए और उसके स्टार्टिंग में मिस आपको दिखे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सेंस आनी चाहिए कि वो आपकी हेडिंग से ही रिलेटेड बातें होंगी उसमें। और आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, और वर्ड्स के थ्रू और सारे भी हम रूट्स देखेंगे और समझेंगे इनकी मीनिंग्स को। तो सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है, हेट्स मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, होता है मानवता से बोल सकते हो आप या मानव को बोल सकते हो, ठीक है। तो हेट्स काइंड, इसमें देखिएगा, इसमें लास्ट में एक आपको रूट और दिखेगा, एंथ्रोप। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। अब यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ मिस देखी, तो मिस का मतलब क्या हो गया, हेट करने वाला। और लास्ट में अगर आपको कहीं भी किसी वर्ड में सुफिक्स में आपको एंथ्रोप दिख जाए तो एंथ्रोप से आप क्या रिलेट करोगे, मैनकाइंड से उसको रिलेट करोगे। उसके बाद क्या हमारा, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है हेट्स वुमेन, यानी वुमेन से नफरत करने वाला, ठीक है। इसमें आपको लास्ट में GYNIST, लेकिन यहाँ जाइन आपका जो होता है वुमेन के लिए एक उसका रूट होता है, यानी कि आप किसी भी मतलब वर्ड्स में लास्ट में अगर आपको जाइन दिख जाए तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि वो आपको क्या है, वुमेन से रिलेटेड बातें होगी उसमें। उसके बाद क्या है, मिसोगेमिस्ट है। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है हेट्स मैरिज, यानी जिसको शादी से नफरत हो, ठीक है। इसमें गेमियस क्या हो जाएगा आपका, ये रूट हो जाएगा जिसका मतलब होता है मैरिज। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ दो रूट देखा, और दो रूट के थ्रू हमको लगता है कि 10 7 3 10 10 वर्ड्स हुए, और साथ में तीन और रूट्स, यहाँ तीनों से तीन तीन रूट्स और निकल गए। तो अगर आप क्लियरली इसको अगर दिमाग में बैठा लेते हो रूट्स को, तो आप ये 10 वर्ड नहीं, आपको इससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, और बहुत सारी आपको जहाँ प्रॉब्लम होती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको नहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे वोकैब्स के साथ, अच्छे अच्छे रूट्स के साथ, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा वो फिक्स हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय।